मुद्दा एक है और बातें दस। आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो हम सभी के जहन के सामने से लगातार गुजर रहा है, अखबारों में है, टेलीविजन पर है और वेबसाइटों पर है, ट्विटर पे है और फेसबुक पे है, वो है जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आखिर ये क्या बला है, ये हमें किस तरह प्रभावित करेगा? लोकसभा में भारी बहुमत से पारित हो जाने के बाद भी जीएसटी का बिल राज्यसभा में पारित क्यों नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर इतनी राजनीतिक रस्साकशी क्यों चल रही है, जानते हैं एक मुद्दा दस बातें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर को 1947 के बाद सबसे बड़ा कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है। भारत में वर्ष 2006-07 के आम बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था। यह बिल 6 मई 2015 को लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा ने 37 के मुकाबले 352 मतों से इसे पारित किया। जीएसटी को 1 अप्रैल 2016 से लागू करने का प्रस्ताव है। राज्यसभा में सरकार के लिए जीएसटी को पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास उच्च सदन में पर्याप्त संख्या नहीं है और राज्यसभा में सरकार को अपनी विरोधी कांग्रेस का समर्थन की दरकार भी होगी। जीएसटी ऐसा टैक्स है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सामान या सेवा की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और उपयोग पर लगाया जाएगा। इस प्रणाली के लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सीएसटी, राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि सब खत्म हो जाएंगे। देशवासियों को जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे देश में सामान पर एक ही टैक्स चुकाना होगा। इससे देश भर में सामान की कीमत एक ही रहेगी। हालांकि जीएसटी से आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जीएसटी की दर क्या रखी जाती है। जीएसटी के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। इसके लागू होने से सामान तो सस्ता मिलेगा लेकिन सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सेवाओं पर वर्तमान में 14.5% टैक्स लगता है, जबकि जीएसटी के बाद यह 18% या इससे अधिक भी हो सकता है। दूसरी ओर जिन वस्तुओं पर 25-30% तक कर लगता है उनमें उपभोक्ताओं को जरूर राहत मिल सकती है। जीएसटी लागू होने से टैक्स संरचना में सुधार होगा, टैक्स भरना आसान हो जाएगा, इससे टैक्स की चोरी भी रुक सकती है। किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला कर एक समान होगा, इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जीएसटी लागू होने पर कंपनियों की परेशानियां और खर्च दोनों ही कम हो सकते हैं। एक ही वस्तु का अलग अलग टैक्स नहीं चुकाना होगा। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतें कम होंगी, इससे सामान बनाने की लागत भी घटेगी। कांग्रेस की मांग है कि जीएसटी को 18% पर ही तय कर दिया जाए, जबकि सरकार इसका नियंत्रण अपने पास रखना चाहती है। यह सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं कर रही। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे उत्पादक राज्यों में लगने वाला 1% अतिरिक्त टैक्स भी खत्म कर दिया जाए। राज्य पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में रखने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे राज्यों की आय पर असर पड़ेगा। हालांकि केंद्र ने राज्यों को राहत दे दी है कि इन वस्तुओं पर अभी जो टैक्स राज्य ले रहे हैं वो शुरुआती वर्षों में लेते रहे। राज्यों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई 5 साल तक केंद्र करेगा। इसके अलावा जीएसटी से जो टैक्स मिलेगा वो केंद्र और राज्य में एक तय हिसाब के आधार पर बांटा जाएगा। तो जीएसटी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा नया मंत्र है जिसको सुनने पर लगता है कि शायद कुछ आसानी होगी, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में आसानी दरअसल तब आएगी जब उसकी थाली की दाल रोटी सस्ती होगी, बच्चों की पढ़ाई की जो फीस है उसका खर्च थोड़ा कम होगा, घर से बाहर निकलकर घर लौटने तक जो चीजें वो खरीदता है उनको खरीदते वक्त उसकी पेशानी पर बल नहीं आएगा और उसको लगेगा कि वो जो टैक्स सरकार को चुका रहा है दरअसल वो राष्ट्र के विकास के लिए है और जितना टैक्स उससे लिया जा रहा है वो उस पर किसी तरह का अन्याय या थोपा गया कर नहीं है।